मेरा नाम कौशल किशोर है और मैं बिहार के एक छोटे से गांव कस्बे से आता हूँ, ढाका से। और बहुत दिन हो गए मुंबई में मुझे, एक अच्छा लंबा सफ़र बोल सकता हूँ मैं इसको, और बहुत मज़ेदार रहा है। मैं कहूँगा कि इरशाद साहब की एक लाइन है ना कि मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं रास्ते, तो मंजिल भी उतनी अच्छी है या आगे जो आएगी वो भी अच्छी होगी, मगर रास्ते भी बहुत कमाल के हैं। बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, बहुत कुछ जानने को मिल रहा है, सोहबत में अच्छे लोगों के बैठने उठने को मिल रहा है, काम करने को मिल रहा है, तो फैंटास्टिक, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। अभी इस समय मैं एक अच्छे समय में हूँ, अच्छी जगह पे हूँ, इन्जॉय कर रहा हूँ, मैं अच्छे तरीके से इन्जॉय कर रहा हूँ। पहली फिल्म जो आई थी मेरी कांधार फिल्म थी, अमिताभ बच्चन जी मोहनलाल जी के प्रोडक्शन की फिल्म थी वो, कैलाश खेर ने गाना गाया था मेरा, तो अच्छा ब्रेक था वो मेरे लिए, क्योंकि हिंदी में रिलीज नहीं हुई फिल्म तो ज़्यादा लोग नहीं जान पाए उसको, मगर गाना अच्छा था, कैलाश जी ने गाया था और मलयालम में बहुत प्यार मिला उस गाने को। फिर बबलगम नाम की एक फिल्म आई, संजीवन लाल जी ने डायरेक्ट किया था, उसमें मेरे गाने थे बापी टुटुल के साथ, उसमें म्यूजिक था। उसके बाद भी फिल्में आईं, 3-4 सीरियल्स कितने लिखे मैंने, भारत की शान लिखा सीजन 2, बहुत सारे एपिसोड आए, लेकिन एक बार लगा कि शायद अभी मैच्योर नहीं हूँ। 17 साल का था जब मुंबई आया था मैं, थोड़ा वक्त लिया मैंने। उसके बाद किताबों की दुनिया में, नज़मों की दुनिया में आने लगा गज़ल, और बहुत पढ़ाई की, बहुत लोगों से मिला, उनके गाइडेंस में बहुत फ़ायदा मिला मुझे, और तब जाके एक सही समय पे आकर के मैंने लोगों को अप्रोच करना शुरू किया, सही लोगों से मिला मैंने, फिर एक अलग दिशा में बढ़ा। उसके बाद जो भी काम मेरे हुए, अभी तो बहुत सारे रिलीज नहीं हुए, जैसे जीत गांगुली के साथ मेरे 3-4-5 गाने हैं जो आने वाले हैं, संजय पूरन सिंह चौहान हैं डायरेक्टर, उनके साथ 2-3 फिल्में मैंने लिखी हैं, डायलॉग्स लिखे हैं उसके, वो भी प्रोसेस में हैं। और अभी जो फिल्म आई है ऑब्वियसली सलमान सर की, जो विशाल मिश्रा जी ने म्यूजिक दिया और मुझे चांस दिया है, तो ये मेरे लिए एक, मैं मानता हूँ कि ये पहला अच्छा काम ये मिला मुझे, विशाल मिश्रा जी ने मुझे दिया है। मैं बहुत छोटा था तब से मैं शायरी करता हूँ, बच्चों वाली शायरी से, हाँ पापा मेरे लिखते हैं, पहले बहुत लिखते थे, अब मैं बोलता हूँ कि अब क्यों नहीं लिखते हैं, तो बोलते हैं कि अब तू लिख रहा है तो तू लिख, मैं लिखूँगा, अब तेरे बारे में लिखूँगा, अब शायरी नहीं लिखूँगा, अब शायरी तू कर, गाने तू बना, बहुत प्यार करते हैं, और उन्हीं से मैंने सीखा है। पैराग्राफ में अगर मैं शेयर करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा, तो वो लाइन अभी जो मेरा गाना आ रहा है सफ़र, जो मोहित चौहान ने गाया है और विशाल मिश्रा ने कमाल कंपोज किया उसको, तो उसी का लाइन है कि मैं सफ़र में हूँ खोया नहीं, बहती हवाओं के जैसे हैं इरादे, उड़ते परिंदों से सीखी है ये बातें, अनजानी राहों पे कोई मैं चला, मैं सफ़र में हूँ खोया नहीं। तो ये जो सफ़र है, ये जो गीत है, ये हम सबका गीत है, जो भी संघर्ष कर रहे हैं या जो कहीं जाना चाहते हैं, मुकाम बनाना चाहते हैं, तो इसी लाइन को मैं कहना चाहूँगा आपसे इस बारे में। जी, आज से 19 साल पहले गाना आया था, बहुत पसंद था मुझे, इनफैक्ट सबको पसंद था बहुत, ऋतिक रोशन उस समय पूरे अपने पीक पे थे, अभी भी हैं, लेकिन उस समय उनका एक क्रेज अलग था, हम लोग के अंदर भी था। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा आपसे कि बुमरो, वो बुमरो मिशन कश्मीर का बुमरो, या उससे पहले भी कश्मीर का ये फोक है और बहुत पसंद करते हैं लोग इस फोक को, तो ये रिक्रिएशन नहीं है हम लोग के हिसाब से, जो हम लोग मेकर्स हैं, हम लोगों ने मिलकर बनाया ये बुमरो फोक को, हमने इस्तेमाल किया है क्योंकि फिल्म का ये डिमांड था। अगर आप फिल्म देखेंगे, या आप जानते हैं फिल्म के बारे में कि पूरी फिल्म कश्मीर में शूट हुई है, वहीं की कहानी है, तो वहाँ ये वहाँ की मिट्टी की खुशबू है बुमरो। बुमरो कोई गीत नहीं है, वहाँ के कल्चर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, तो उसको बिना छुए कंप्लीट नहीं हो रही थी बात, तो हम लोगों ने इसको लिया और पूरा गाना अलग है। अगर आप सुनेंगे, मुखड़ा सुने इसका, बच्चों के लिए, ये बेसिकली बच्चों को, जो हमारे हीरो हैं, कबीर नाम है कैरेक्टर का, जहीर हीरो का नाम है, लेकिन कबीर हमारे कैरेक्टर का, किरदार का नाम है, तो वो जब बच्चों को एक सिचुएशन में समझाते हैं कि मुश्किल है, मानता हूँ मुश्किल है, लेकिन मस्ती के हम तो राग गाएंगे, हम खुशियाँ रब से मांग लाएंगे, बिखरे सुरों से गीत बनाकर, टूटे हुए खाबों को सजाकर, झूमो रे झूमो बुमरो बुमरो श्याम रंग, तो इसको हमने एक बहाव की तरह इस्तेमाल किया है बुमरो को। और जो अंतरा है इसका, अंतरा ये कहता है कि तितली से रंग तुला, दुनिया पे रंग लुटा दे, फूलों से खुशबू ला और गगन गगन महका दे,
तू घूम घूम तो झूमेगा ये अंबर, तू जान जान ले ठान ठान ले बदलेगा हर मंजर, आँखों से अपने आँखों को अपने तारे बना के सारी दुनिया को चमका के झूमरे झूमो झूमरे। तो ये एक एक टीचर जो है वो बच्चों को किस तरह से समझाता है, ये गाना यही है और आप सुनेंगे बहुत अच्छा लगेगा और बहुत प्यार मिल रहा है। मैं ये थैंक यू करना चाहता हूँ सभी जितने भी दर्शक हैं, बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं अभी कमाल के कमेंट्स आ रहे हैं। सभी मीडिया को भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने, देखिए हमारा तो कभी कभी मिलना होता था लेकिन विशाल सर, जैसे कि आप जानती हैं विशाल मिश्रा सर, उनका बहुत ही अच्छा संबंध है उनसे, तो हमेशा गाइड करते रहते थे और हमेशा उनकी इन्वॉल्वमेंट बहुत थी और उन उसी का नतीजा है कि हम लोग इतना खुल के काम कर पाएँ। वो बहुत फ्रीडम देते हैं विशाल भाई से उनका प्रेम ही अलग है और इसी वजह से हम लोग तक भी वो बात आती थी कि कैसे करना है, इंटरटेनिंग बनाना है और बहुत मज़ा है मतलब इस प्रोडक्शन हाउस के साथ काम करके। यहाँ तक कि मैं अश्विन सर और मुराद सर की भी बात करना चाहूँगा जो प्रोड्यूसर हैं वो भी, तो उन्होंने भी बहुत छूट दी विशाल सर को और विशाल सर ने हमें, तो हम लोग मिल करके एक अच्छा एल्बम बना पाए। नहीं लगता है जो पहला गाना आया था इसमें कमाल लगता है मुझे, मेरा फेवरेट है, वन ऑफ फेवरेट है और विशाल भाई ने गाया है उसको। अब तो खैर सुन रहे हैं, दुनिया सुन रही है लेकिन मुझे बहुत पसंद है वो गाना लैला, बहुत अच्छा है। वो जो अपील है, एक लड़की जो बात करती है कि आसमां भी टूटेगा जमीन भी पिघलेगी देखना एक दिन जरूर होगा, तो बहुत अच्छा है मतलब हम लोग के लिए एक कम्प्लीट एक पैकेज है ये और दुनिया इसको पसंद कर रही है, इससे अच्छा हम लोग को और कुछ नहीं चाहिए। देखिए स्क्रिप्ट जब मुझे मिली थी, विशाल भाई ने मुझे स्क्रिप्ट के बारे में सब कुछ डिटेल में बताया था, डायरेक्टर सर से भी मिला था मैं, तो एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम की तरह ये काम किया है स्क्रिप्ट, क्योंकि स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लिखी गई है, आधा काम वहीं पे पूरा हो जाता है जब आपके पास एक अच्छी कहानी होती है, कहने के लिए बहुत कुछ होता है आपके पास। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बुमरो का इस्तेमाल हमने क्यों किया, क्योंकि वो कश्मीर और वो फिल्म वो मांग रहा था हमसे और कश्मीर तो हमारे लिए पैराडाइज है, आप जानती हैं हम सभी इंडियंस को प्राउड है इस बात पे कश्मीर पे, और जो खूबसूरती है वहाँ की वो अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है और इसका असर बिल्कुल इस पूरे एल्बम पे है, बिल्कुल असर है और गाने में शायद आप लोग शायद महसूस कर पाए ना कर पाए, हम लोग महसूस करते हैं वो वादियाँ। आप सफ़र सुनिए, मैं आपको कहूँगा सफ़र सुनिए, वो जो म्यूजिक रबाब यूज किया गया है, विशाल भाई ने यूज किया, तापसदा ने बजाया है उसको, तो वहाँ के म्यूजिक का बहुत बहुत इम्पैक्ट था, वहाँ के लोगों का इम्पैक्ट था, वहाँ की कहानियों का इम्पैक्ट था और वो जो लाइन भी मैंने इसमें लिखी है कि तू जान जान ले ठान ठान ले बदलेगा मंजर, मंजर बदलेगा, अगर कुछ प्रॉब्लम्स है वहाँ पे तो निश्चित रूप से एक दिन खुदा है भगवान है जरूर ठीक करेंगे उसको, यही हम लोग मांगते हैं, ऐसे भी मांगते हैं, हर हिंदुस्तानी चाहता है। देखिए सलमान सर को अगर गाना कोई भी बहुत अच्छा नहीं लगता तो वो गाना इस फिल्म में नहीं होता, सबसे पहली बात उनको सारे गाने बहुत पसंद है। अब कौन सा फेवरेट है उनके दिल के वो तो खैर वो बता सकते हैं डेफिनेटली, मैं नहीं बता नहीं, उन्होंने सारे गानों को पसंद किया है, बहुत मेहनत की है, बुमरो पे बहुत खुश हैं और बहुत खुश हैं। कमाल खान ने गाया है, विशाल भाई ने गाया है, बहुत कमाल का है गाना और उनको बहुत पसंद है। उन्होंने सफ़र के लिए मुझे कहा था, पर्सनली मुझसे कहा था कि ये डार्क हॉर्स है, ये बहुत आगे जाएगा, तो उनको पसंद है, सब पसंद है और क्या बोल सकता हूँ मैं। देखिए सभी अच्छे लोग के साथ काम करना चाहता हूँ मैं, डेफिनेटली हर आदमी चाहता है कि अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर हैं उनके साथ काम करें। मिथुन हैं उसमें, मिथुन शर्मा, या रहमान हैं, और भी बहुत अच्छे कंपोजर्स हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में भी आप मेरे बहुत सारे काम विशाल भाई के साथ देखेंगे सुनेंगे, क्योंकि इनके साथ एक अजीब सा रिश्ता है मेरा, एक भाईचारे का भी रिश्ता है, लिरिसिस्ट और म्यूजिक डायरेक्टर का भी रिश्ता है, इससे भी अलग भी कुछ पहलू हैं जहाँ पे हम लोग एक दूसरे को समझते हैं और गानों में आपको ये महक, इस बात की महक आपको महसूस होगी और नए लोग भी आएंगे, इनके साथ भी काम करना है क्योंकि नई जो प्रतिभा होती है वो कुछ नया लेकर आती है, उनके साथ भी काम करना है। और मैं विशाल भाई के बारे में भी थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि वो कमाल है, वो आप उनके गाने सुन रहे होंगे अभी मुश्किल से एक यंग आदमी 27 साल का जो उन्नाव से आते हैं वो यूपी से और अभी तक 60 गाने उनके आ चुके हैं, तो ये प्राउड फील होता है उनकी टीम में काम करके
और एक बात जो सबसे मैं कहना चाहता हूँ, जितने भी दर्शक देख रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं मुझे, कि आप फूल को तोड़ सकते हैं, आप पेड़ को काट सकते हैं, आप जंगल में आग लगा सकते हैं, लेकिन आप अच्छा काम नहीं रोक सकते हैं, अच्छे काम को आने से नहीं रोक सकते हैं, अच्छे लोगों को आने से नहीं रोक सकते हैं। अगर आप में अच्छाई है तो आपको कोई नहीं रोकने वाला है, चाहे काम में अच्छाई हो, चाहे ईमानदारी हो, लगन हो, आपको कोई नहीं रोक सकता है। और यही कारण है कि विशाल मिश्रा जैसे लोग इतना आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग जैसे लोग को आगे बढ़ा रहे हैं, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और ये जो पूरा यूनिवर्स है ये इसी तरीके से काम करता है। तो आप लोग जो भी मुझे सुन रहे हैं, प्लीज़ ईमानदारी से अपना काम कीजिए। जो भी नए बच्चे हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, ईमानदारी से काम कीजिए, मेहनत कीजिए, आपको कोई नहीं रोक पाएगा। मेरा जो सबसे फेवरेट पार्ट है वो सफ़र गाने से है, इसमें दूसरा अंतरा उसका, वही चौहान ने गाया, आप ज़रूर सुनिएगा, लेकिन मैं आपको बोल के सुना देता हूँ कि ये कैसा सफ़र है जो यूं डुबा रहा, जा रहा हूँ कहीं मैं या लौट के आ रहा, वो चेहरे वो आँखें वो यादें पुरानी मुझसे पूछती, ये नदिया का पानी भी बहता है कहता यही, मैं सफ़र में हूँ खोया नहीं, मैं सफ़र में हूँ खोया नहीं। थैंक यू। हाय, मैं हूँ कौशल किशोर और आप मुझे देख रहे हैं लोकमत न्यूज़.in पे। थैंक यू सो मच।